उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। राज्य में एक सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बता दें, केदारनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद बीजेपी को दिया है। 90,000 से अधिक मतदाता वाली केदारनाथ विधानसभा की जनता को अपना जनादेश बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में दिया है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5,623 वोट से जीत हासिल की है। जानकारी के लिए आपको बता दें, केदारनाथ उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट ही नहीं था, बल्कि सीट पर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान भी था। बता दें, बद्रीनाथ में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव में जीत बेहद ही जरूरी मानी जा रही है। बद्रीनाथ हार में से सबक लेते हुए पार्टी ने उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी में तमाम नेता और कार्यकर्ता अपने पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य बीजेपी चुनावी प्रबंधन में तमाम बड़े रणनीतिकारों को मैदान में उतार दिया। बता दें, युवा मंत्री सौरव बहुगुड़ा, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और विधायक भरत चौधरी ने बद्रीनाथ में भी डेरा ही जमा दिया और लगातार 3 महीने तक चुनाव प्रचार में जुटे रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उपचुनाव का रुख बीजेपी के पक्ष में कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपदा के प्रभावितों के लिए भी विशेष पैकेज से लेकर विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति तक के फैसले फटाफट लेते रहे। बता दें कि चुनाव के ऐलान के पहले और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक वो लगातार केदारनाथ का दौरा करते रहे और वहाँ के लोगों की नाराजगी को दूर किया। हमने कहा कि ये अवधि खत्म हो गई है, लेकिन हम अपने सीमांत क्षेत्र के लोगों को ये सेवा प्रदान करेंगे। राज्य सरकार जो है इसका जो भी खर्चा होगा वो वहन करेगी और इस सेवा को चला दिया है हमने। इसके साथ साथ जोशियाड़ा में उत्तरकाशी की सेवा चला दी है, अनेक स्थानों के लिए आज अभी लैंडस्टोन भी हम चलाने वाले हैं। अभी आदमी भैसा मिशन जी कल कह रहे थे मुझसे कि तुम पौड़ी के लिए भी देखो, पौड़ी के लिए भी देखो कि पौड़ी ज्यादा अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, तो हम वहां भी विचार करेंगे जल्दी की जो है वहां भी हमारी सेवा चले। ऐसे अनेक स्थानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम हर उस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं जो क्षेत्र हमारा अभी विकास जहां नहीं पहुंचा है वहां भी हमको विकास पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए एम्स इतना अच्छा काम कर रहा है हमारा, तमाम सेवाएं आज राज्य हमारा हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा, जिसका उल्लेख श्री गणेश जोशी जी ने किया कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये शब्द उनके मुख से ऐसे ही नहीं निकले थे, ये शब्द उनके मुख से निकले हुए शिव रूपी शब्द थे जो धरातल पर उतर रहे हैं। आज हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग के जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर में पूरे भारत में हमारे राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बेरोजगारी दर हमारी कम हुई है, 4.4% क्या डिडक्शन हुआ है, उसमें कमी आई है। राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी हम उसको भी हमने पीछे छोड़ा है रोजगार देने के मामले में। लगभग 19,000 भर्तियां पिछले 2.5-3 सालों में संपन्न हो गई, नकल का अध्यादेश हम लेकर आए। हम भूमि का कानून बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है जब तो हो रही है, अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी जो है भूमि का कानून भी लेकर आएंगे। भाइयों बहनों, मेरे पास कहने के लिए बहुत है, अगर मैं कहता रहूंगा तो मैं कई घंटे कह सकता हूं, क्योंकि लगभग 3-3.5 साल का कालखंड मुझे हो गया और मैं एक एक मिनट उसको जीता हूं। बाबा केदार की बड़ी कृपा है कि जो ये कहते थे कि जो है अयोध्या भी हार गए, ये बद्रीनाथ भी हार गए, तो मैंने कहा इनकी गलतफहमी बाबा केदार के धाम में आकर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और बाबा केदार ने उसको समाप्त कर दिया। बीजेपी ने महिला मतदाता बहुल सीट पर 2 बार की विधायक रही महिला चेहरे आशा नौटियाल का दाव लगाया। केदारनाथ से सीधे पीएम मोदी का जुड़ाव, सीएम धामी, मंत्री विधायक और पार्टी पदाधिकारियों का प्रचार उपचुनाव में बीजेपी की ताकत बना।
वहीं केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की आशा नौटियाल और कांग्रेस की मनोज रावत समेत कुछ 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी केदारनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। यदि अभी तो रिजल्ट मुझे मालूम नहीं है, मगर इतना मैंने देखा कि हम पीछे हैं, और यदि हम पीछे भी हैं तो ये चिंताजनक पहलू है, और अकेले कांग्रेस के लिए चिंताजनक पहलू नहीं है। ये सारे जो उत्तराखंड और पहाड़ की बात करते हैं, केदारखंड की बात करते हैं, उन सब के लिए भी चिंताजनक पहलू है। भाजपा के सत्ता और शराब और धन बल की जीत है, मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। मनोज रावत मेरी नज़र में आज भी जिन चीज़ों के खिलाफ उत्तराखंड खड़ा है, लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए एक मुफीद जनप्रतिनिधि है। केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर अब तक 5 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी 3 बार और कांग्रेस ने 2 बार जीत हासिल की है। बता दें कि बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जहां प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, तो कांग्रेस इस चुनाव को जीत मानकर अपनी खोई हुई राजनीति जमीन फिर से वापस करना चाहती थी। लिहाजा केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन आखिर में बाजी बीजेपी के हाथ लगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अब जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।